कॉलेजच्या परीक्षांमध्ये यंदा अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार आहे. राज्यातील कुलगुरूंच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलाय. कोरोना काळात शिक्षण आणि परीक्षा ऑनलाईन होत होत्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा लेखनाचा सराव घटलाय. याच पार्श्वभूमीवर ही वेळ वाढवून देण्याची मागणी युवा सेनेनं केलेली होती. त्यानुसार ऑफलाईन म्हणजे लेखी परीक्षांसाठी दर तासामागे 15 मिनिटं वाढीव देण्यात येणार आहेत. व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अशा दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना हा अतिरिक्त जास्तीचा वेळ मिळेल. अपने पीछे MSBT का जो सर्कुलर अपलोड हुआ था वो तो देखा ही होगा कि 10 पेपर अगर 1 आर का यानी 1 आर का और उसको आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, ऐसा न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा, कई यूट्यूब चैनल्स पर दिखाया भी गया था. लेकिन अभी जो युवा सेना है उन्होंने श्री उदय सामंत जी यानी अपने टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उनको एक लेटर लिख कर बताया कि जो स्टूडेंट्स है उनको 1 आर के लिए 15 मिनट्स यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाए. तो उदय सामंत जी ने इसे मंजूर किया है. अपने जो आदित्य ठाकरे यूथ आइकॉन उन्होंने उदय सामंत जी को लेटर लिखा है. लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के लेक्चर से वह ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट किए गए हैं और कई स्टूडेंट्स को जो सुविधा है इंटरनेट वगैरह वो नहीं मिल सकती, तो उनकी जो पढ़ाई है वो प्रॉपर तरीके से भी नहीं हुई है. तो इस बार आप अपना जो ऑफलाइन का जो पैटर्न है वह ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर पढ़ाई के लिए टाइम भी नहीं मिला है और उन्हें समझा भी नहीं है जितना कि ऑफलाइन में समझता है. और आपका जो MSBT का सिलेबस है वो यानी कि टेक्नोलॉजी टेकमैक्स ऐसे निराली पब्लिकेशन के जो बुक्स पब्लिश होते हैं वह कई ठिकानों पर अवेलेबल भी नहीं है. तो स्टूडेंट्स बुक्स परचेस ही नहीं किया तो पढ़ाई क्या करने वाले हैं. और ऑनलाइन में आपको सभी को पता है कि कितना स्टूडेंट्स को समझता है. तो 15 मिनट ज़्यादा देने से अच्छा एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट किया तो बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए. और कई कॉलेजेस में अभी भी ऑनलाइन लेक्चर चालू है, तो 90% या ऐसे कई स्टूडेंट्स और टीचर्स है कि उनको जो सिलेबस है सब्जेक्ट का वह भी पता नहीं है.